दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एफआई मनी अकाउंट की चेकबुक चार्जेस के बारे में। दोस्तों एफआई मनी अकाउंट फेडरल बैंक का ही सेविंग अकाउंट है, तो चलिए दोस्तों जानते हैं एफआई मनी अकाउंट में कितना चेकबुक फ्री में मिल जाता है और फ्री का चेकबुक खत्म हो जाने के बाद में अगर हम नया चेकबुक लेते हैं तो हमें कितना चार्ज देना होगा। तो कंप्लीट डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। हेलो गाइस, मैं हूँ राहुल वर्मा, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल सीजी बॉय में। सीधी बात नो बकवास, तो चलिए कुछ नया जाने। दोस्तों पहले फेडरल बैंक के एफआई मनी अकाउंट में चेकबुक नहीं मिलता था, लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों एफआई मनी अकाउंट में चेकबुक मिलता है। अगर आप चेकबुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो दोस्तों एफआई मनी ऐप से आप चेकबुक को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी एफआई मनी अकाउंट 4 वेरिएंट में अवेलेबल है। आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट को बाकी 3 और अकाउंट में अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर पहला अकाउंट है स्टैंडर्ड अकाउंट, जो कि नॉर्मल जीरो बैलेंस वाला सेविंग अकाउंट है, और दूसरा है एफआई मनी प्लस अकाउंट, और तीसरा है एफआई मनी इनफिनाइट अकाउंट, और चौथा है दोस्तों एफआई मनी सैलरी अकाउंट। और यहाँ पर दोस्तों स्टैंडर्ड अकाउंट में चेकबुक चार्ज अलग है और बाकी जो तीनों अकाउंट है उसका भी चेकबुक चार्ज अलग है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। एफआई मनी स्टैंडर्ड अकाउंट और जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में 10 चेक पेज का चार्ज 100 रुपये है, प्लस 18% GST मिला के टोटल इसका चार्ज 118 रुपये होता है। जब भी आप चेकबुक अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से ये चार्ज कट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो आप इस चेकबुक को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों स्टैंडर्ड अकाउंट में एक साथ मिनिमम एंड मैक्सिमम 10 चेक पेज को ही अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों एफआई मनी स्टैंडर्ड अकाउंट में कोई भी चेक पेज फ्री में नहीं मिलेगा, आपको चेकबुक के लिए चार्ज देना होगा। लेकिन जो यहाँ पर दोस्तों बाकी 3 और अकाउंट है, एफआई मनी प्लस अकाउंट, एफआई मनी इनफिनाइट अकाउंट एंड एफआई मनी सैलरी अकाउंट, ये तीनों ही अकाउंट में दोस्तों पहला चेकबुक जिसमें 10 पेज होता है वो बिल्कुल फ्री में मिलता है, मतलब फर्स्ट टाइम। जब भी आप पहली बार दोस्तों इन तीनों अकाउंट में चेकबुक ऑर्डर करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपको फर्स्ट टाइम का चेकबुक 10 पेज वाला बिल्कुल फ्री में मिलेगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप फ्री का चेकबुक खत्म हो जाने के बाद नया चेकबुक ऑर्डर करते हैं तो उसका यहाँ पर चार्ज देना होगा। इन तीनों ही अकाउंट में दोस्तों 10 पेज का चेकबुक आता है जिसका चार्ज 100 रुपये प्लस 18% GST मिला के 118 रुपये चार्ज होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इन तीनों ही अकाउंट में अगर आप नया चेकबुक लेते हैं सेकेंड टाइम तो यहाँ पर 118 रुपये का चार्ज आपको देना होगा। और यहाँ पर दोस्तों स्टैंडर्ड अकाउंट में कोई भी चेकबुक आपको फ्री में नहीं मिलता। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। और दोस्तों ये चार्जेस अभी हाल ही के हैं और ये चार्जेस फ्यूचर में चेंज भी हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बैंक अपना चार्जेस समय समय पर चेंज करते रहता है। तो दोस्तों जैसे ही जब भी कोई भी चार्जेस फ्यूचर में चेंज होगा तो सबसे पहले आपको अपडेट हमारे इस चैनल पर मिल जाएगा। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए, बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट करके रख ले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।